आज देश के लिए बहुत ही पीड़ा का दिन है। कांग्रेस पार्टी इतनी बेशर्म होकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतना गिर जाएगी, इसकी कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की थी। सुबह राहुल गांधी ने अपने नेताओं के वक्तव्यों को जस्टिफाई किया था जो पाकिस्तान के अंदर वायुसेना के साहसिक स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे थे, और आज उनके एक राष्ट्रीय महासचिव बीके हरिप्रसाद ने ये कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर वायुसेना का स्ट्राइक हुआ और उसके पहले पुलवामा का आतंकवादी हमला हुआ, ये नरेंद्र मोदी जी और इमरान खान के बीच एक फिक्स्ड मैच था। क्या मतलब है इसका? क्या कांग्रेस के महासचिव भारत को एक आतंकवादी देश बता रहे हैं और जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उससे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस के महासचिव ने देश का अपमान किया है, देश की सेना का अपमान किया है, देश की सेना के शूरवीरता का अपमान किया है और हिंदुस्तान के आम नागरिक की अस्मिता और भावनाओं का अपमान किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो माफी मांगे, क्योंकि अब ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी जवाब देगी, ऐसे लोगों को भारत की जनता जवाब देगी और अच्छा जवाब देगी। लेकिन आज एक पार्टी जिसने इस देश पर 55 साल स्वयं राज किया है, उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भारत को आतंकवादी बताएं, उसकी तुलना पाकिस्तान से करने की कोशिश करें और कहें कि साठगांठ हुई है। पूरी दुनिया भारत की वायुसेना के इस ऐतिहासिक साहसिक आतंकवादी पर हमले की प्रशंसा कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के नेता पिछले 2-3 दिन से पहले सबूत मांगते थे और आज फिक्स्ड मैच की बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। इससे बड़ी बेशर्मी की बात, इससे बड़ी भारत के अपमान की बात हो नहीं सकती है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। यह बहुत ही पीड़ादायक है, यह बहुत ही घटिया अस्तरहीन बयान है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का अब राहुल गांधी की अगुवाई में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि कम से कम देश की सुरक्षा पर, देश की सेना के शौर्य पर पूरा देश एक स्वर में बोलता है। और मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान और सरकार के साथ है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। कम से कम कांग्रेस पार्टी रोज ये दिखा रही है कि वो भारत के साथ नहीं है, और हरिप्रसाद का वक्तव्य उसकी पुष्टि है। और ये सब कुछ राहुल गांधी के निर्देश में हो रहा है, ये बात हम बहुत साफ साफ कहना चाहेंगे। फ्रेंड्स, टुडे इज ए डे ऑफ ग्रेट पेन एंड एगोनी। वी ऑल आर डीपली saddened. दिस मॉर्निंग मिस्टर राहुल गांधी sought टू जस्टिफाई द कमेंट्स ऑफ इट्स हिज लीडर्स हु आर सीकिंग एविडेंस ऑफ द ब्रेव स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स इन साइड द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान टू कंटेन टेररिस्ट सेंटर्स। Today, one of the general secretaries of Congress Party, Mr. B.K. Hariprasad, crossed all limits of propriety, decency, and goodwill for the country when he made a statement that there is a fixed match
between Shri Narendra Modi and Mr. Imran Khan behind the Pulwama dastardly terrorist attack. What does he mean by this? Is the Congress General Secretary, with the blessings of the party president, equating India as a terrorist hub with Pakistan? Does he understand the consequence of his comments, which is shameful, deeply reprehensible, and the meanest of all as far as India's strategic security is concerned? By these comments, they have insulted India, the forces of India. They have insulted the shahadat of all the 40 plus CRPF jawans who lost their life. They have rubbed salt over the memory of their sacrifice to their family members and the entire country. And above all, they have insulted the profound sentiment of ordinary Indians who feel strongly for the security and safety of India. One could never expect that a party which has ruled India for the last more than 55 years would stoop so low under the leadership of Mr. Rahul Gandhi, whereby for petty political gains, it will seek to equate India also as a terrorist hub along with Pakistan for a fixed match. Come on. Does he understand the consequence of his comments? The entire world today is with India in the fight against terror. Pakistan stands isolated. But I would like to very firmly remind him that the Foreign Minister of Pakistan, Mr. Shah Mahmood Qureshi, day before yesterday in a TV interview said that all the political parties of Pakistan are with the Prime Minister of Pakistan. But that is not the case with India. And every day, Pakistan Congress Party is justifying those comments by repeatedly seeking to weaken the morale of our security forces and insulting the sacrifice of the brave hearts who lost their life in the wake of terrorist attack. It is reprehensible. It is condemnable. It is shameful. And represents the lowest as far as political probity and propriety is concerned. I would not seek any apology from the Congress Party or its General Secretary, because there is increasing evidence every day that under the leadership of Mr. Rahul Gandhi, the Congress Party has lost all its moorings and perhaps closing its future. The people of India will give a befitting reply to these kinds of insulting comments, which are insult to our forces, insult to the bravery of our forces, insult to the sacrifice of our brave heart, and above all, insult to the great emotional connect of the people of India for the cause of Mother India. And surely we shall continue to expose their nefarious design. All these comments of Congress leaders are not by accident, but by design, promoted, patronized, and directed by Mr. Rahul Gandhi.